नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आर और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आने के लिए तैयार। तो वो बड़ी खबर क्या है? ये बड़ी खबर है सेबी की बोर्ड बैठक से जुड़ी हुई, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया। बड़े फैसले क्या है? सेकेंडरी मार्केट में ASBA जैसा सिस्टम लाया जाएगा। जी हाँ, जो ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, जो अमाउंट ब्लॉक अब तक बैंकों और म्यूचुअल फंड्स में होता था, वो अब सेकेंडरी मार्केट में भी इस तरह के नियम लाने की तैयारी है। कंपनियों में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्टिंग होती थी, उसमें अब बदलाव किया गया है। डिस्क्लोजर नियमों को भी पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया है। कंपनियों में स्थायी डायरेक्टर की जो नियुक्ति है, उस पर भी रोक लगाई गई है। डिस्क्लोजर का जो नियम का जो समय है, उसे 24 घंटे से कम करके 30 मिनट किया गया है। टॉप 100 कंपनीज को मार्केट की खबरों पर जो अफवाहें होती हैं या कोई खबर आती है, उस पर अपने अपने खंडन या उस पर मंजूरी अगर उनकी है, वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो भी उनको देना जरूरी होगा। टॉप 100 कंपनियों पर 1 अक्टूबर से ये जो खंडन और बाकी स्वीकारोक्ति का जो नियम है, वो 1 अक्टूबर से इसी साल से लागू होगा, जबकि टॉप 250 कंपनीज पर ये नियम 1 अप्रैल 2024 यानी अगले साल से लागू होंगे। तो ये मोटा मोटी बड़े फैसले जो हैं, वो सेबी की बोर्ड बैठक में लिए गए। Many months ago that we will come with an ASBA-like facility for secondary market trades. It's now going to become a manifest reality. Of course, system changes are needed, so the implementation date is a little bit away. But practically all the modalities have been ironed out. This has been once again co-created with the brokers and with the clearing corporations and the exchanges. So at this stage, we envisage that it will be optional both for the brokers to offer to their investors as well as to the investors as to whether they want to avail or not avail of this facility. But we hope that like ASBA did, and it picked up popularity so much, we hope that once the system stabilizes and people start to see the benefits, and some of the top brokers, because we know there's a fair amount of concentration, right? The top 10 brokers account for, I think, almost 70% of the customers in terms of retail. So we hope that the transition will be rapid once we actually get implemented. But this, we think, is another very important milestone in the way in which trading is done in our country. Again, I must share with you, fresh out of the ISCO oven, that global jurisdictions are just amazed. You know, everywhere else in the world, the model is a B2B model. The exchanges or the clearing corps talk to the clearing members and it stops there. We are perhaps very unique. We don't have omnibus accounts. We don't have any of that. And the entire chain is completely visible and transparent thanks to the technology. So I've started now referring to this as really the India market stack, because nowhere else in the world is there a market stack in terms of technology which allows for us to go from B to B to C. And for crores and crores of investors, you know that we had implemented the pledge-repledge system for securing and protecting the shares. तो ये वो तमाम बड़े फैसले हैं, और आपने माधवीपुरी भुज को भी सुना, और तमाम बातों को बहुत ही आसान भाषा में हमने आपके सामने रखा कि ये बड़े फैसले दरअसल हैं क्या। तो बड़े फैसले सेबी की बोर्ड बैठक में जो लिए गए हैं, वो आपको हम बता दें कि जो सबसे अहम फैसला वो है कि सेकेंडरी मार्केट में यानी स्टॉक मार्केट में भी ASBA जैसा सिस्टम लाया जाएगा। इसके अलावा जो बड़े पोस्ट हैं, CEO और CFO जैसे पद जो हैं, उनमें 3 महीने के भीतर नियुक्ति करनी होगी। कंपनी में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक परमानेंट डायरेक्टर की नियुक्ति होती थी, उस पर रोक लगाई गई है। तो ये तमाम जो हैं वो रिफॉर्म्स जो हैं, इन बड़े फैसलों के जरिए सामने आ रहे हैं। JN गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व ED रह चुके हैं सेबी के। JN गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाव स्वदेश में। मोटा मोटी तो हमने जानकारी दी, लेकिन इन फैसलों को किस तरह से आप देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये जो कदम उठाए गए हैं, ये और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देंगे, और ज्यादा जो है जो गलत प्रैक्टिसेस चल रही थी, उन पर एक तरह की निगरानी बढ़ाएंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो ये डेवलपमेंट है सिक्योरिटीज मार्केट में या सारी जगह, इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये कभी बंद नहीं होने वाला है।
और जो सेबी के जो आज के नियम है उन्होंने जो पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे जहाँ पे ये लगा कि ये और सुधार करने चाहिए तो वो सुधार कर दिए हैं। और जैसे कि एक सीधा सा एग्जांपल है कि जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट को लिमिट किया है कि परमानेंट डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं, तो पहले सिचुएशन थी कि 1/3 ऑफ द नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन रिटायरिंग हो सकते थे, तो उसमें क्या होता था कि अगर एक डायरेक्टर एक बार अपॉइंट हो गया तो 40 साल 50 साल तक उसको कभी शेयर होल्डर के पास नहीं जाना पड़ता था। हमारा ये मानना है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको चांस इसलिए मिलना चाहिए, एक तो समय पे समय बदलते जाते हैं शेयर होल्डर के, आज मैं शेयर होल्डर कंपनी के कल नहीं हूँगा, तो एक तो शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज होता है। दूसरा है आदमी का एक्सपीरियंस और आदमी की पोजीशन चेंज हो सकती कि मैं 50 साल की उम्र में जो था 80 साल की उम्र में उतना एक्टिव नहीं रह सकता हूँ क्या, तो ये शेयर होल्डर को हमेशा मौका मिलना चाहिए कि वो डायरेक्टर को टाइम टू टाइम अपॉइंटमेंट कर सके। दूसरा यह है कि जो आपने बोला कि 30 मिनट में बोर्ड मीटिंग का वो है, ये बहुत अच्छा चीज है लेकिन ये थोड़ा चैलेंजिंग भी हो सकता है क्योंकि कभी कभी बोर्ड मीटिंग में बहुत लंबे एजेंडा आइटम होते हैं, तो हो सकता है कि ये बोर्ड मीटिंग में वो शॉर्ट डिस्क्लोजर करें 30 मिनट में और डिटेल डिस्क्लोजर बाद में करें। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं और जैसे एस्बा वाला है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो है जिसमें क्या होगा कि कम से कम ब्रोकर के पास जो शेयर होल्डर है जो बायर है जो खरीद रहा है उसका पैसा नहीं ब्लॉक रहेगा, वो उसके पास सुरक्षित रहेगा। तो बहुत जो केसेस होते थे कि पैसा ब्रोकर के पास पड़ा है और ब्रोकर का डिफॉल्ट हो गया मेरा पैसा डूब गया, वो केसेस कम होंगे। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी जैसे मैडम ने बोला अपने उसमें कि जो इंडिया का सिस्टम है ये प्रॉब्ली इतना एडवांस है जितना किसी भी कंट्री में नहीं। यहाँ पे जब आपका एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो वो आपके जन्मपत्री की तरह होता है कि आपके किस क्लाइंट कोर्ट से गया है, किस ब्रोकर के टर्मिनल से गया है, क्या आपका पैन नंबर, सारी चीजें उसी ऑर्डर की चेन में डीएनए आ जाता है। तो ये जो सिस्टम है हमारा ये बहुत परफेक्ट है, लेकिन जो है इशू कि कितना भी आप अच्छा सिस्टम बनाओ कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। और लेकिन आज की डेट पे इट इज ऑल दीज डिसीजंस आर वेरी गुड डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयरहोल्डर्स। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जैन गुप्ता साहब, आपने हमारे लिए समय निकाला और बहुत ही खास तरीके से आपने इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली और वाकई एक तरह की अनवरत लगातार चलने वाली ये रिफॉर्म है और समय समय पर उनको रिव्यू किया जाता है और उस हिसाब से इस तरह के फैसले जो हैं वो सिक्योरिटी मार्केट के लिए और जो आम कंज्यूमर हैं उनके हितों की रक्षा के लिए सामने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच एक और बेहद खास मेहमान पवन कुमार विजय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर हैं कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के, जाने माने कॉर्पोरेट लायर हैं। पवन जी बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। ज़रा बताएं आपको ये जो सेबी के आज बोर्ड बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं जिनके बारे में मोटा मोटा तो हमने अपने दर्शकों को बता दिया, फिर भी कोई खास फाइंडिंग्स आपको नजर आती हैं या आपको लग रहा है कि कोई एक फैसला जो ज्यादा चैलेंजिंग होगा? देखिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है वो ये है कि जब आप स्लम सेल करते हो तो अभी स्पेशल रेजोल्यूशन से आप कर सकते थे, लेकिन अब उससे भी बोलते हैं कि स्लम सेल भी होगा तो आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए जो पहले भी था, पर अब वो मेजोरिटी से नहीं होना, वो माइनॉरिटी की मेजोरिटी से होना है। दिस इज वन चेंज। दूसरा जो केएमपी है कंपनी में जो कंपनी सेक्रेटरी सीएफओ या एमडी है उसके लिए उसका अपॉइंटमेंट 3 महीने के अंदर होना है। तीसरा अस्पा जो सेकेंडरी मार्केट में इन्होंने इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं वो एक गेम चेंजर है। और एक जो कंपनी के बारे में मार्केट में जो इंफॉर्मेशन फर्जी फैल दी जाती है या कोई गलत तरीके से करता है उसको कम्युनिकेट करने के लिए अब कंपनी की जिम्मेदारी लगाई है कि अगर वो गलत इंफॉर्मेशन है तो उसका खंडन करेगी। ये एक बहुत बड़ा चेंज मेरे हिसाब से सेबी ने प्रेस्क्राइब किया है। एक उन्होंने ऑनलाइन जो रिड्रेसल मैकेनिज्म उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बात की है। देन उन्होंने जो परमानेंट सीट बोर्ड मेंबर की है उसको एलिमिनेट करने का काम किया। नाउ देयर इज नो परमानेंट सीट, एवरी टाइम यू हैव टू गो टू द शेयर होल्डर एज पर द नॉर्म
2/3 डायरेक्टर जो एवरी टाइम रिटायर होते हैं उनको लगाने के लिए, अब आपको परमानेंट वाले लोगों को भी उसी तरह से जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पवन सर हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत ही आसान तरीके से बहुत आसान भाषा में आपने बताया कि क्या हाइलाइट्स हैं इस पूरे फैसले की और कितना महत्वपूर्ण है इन फैसलों का सामने आना। तो तमाम चीज़ें आज हमने इस पूरी कवरेज में आपको दी। हमने आपको पहले ही वादा किया था कि ईटी नाउ स्वदेश पर आप एक बड़ी कवरेज, एक खास कवरेज आपके सामने हम रखेंगे। हमने जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई उसके साथ ही आपको तमाम जो इसके पहलू हैं, तमाम फैसले हैं उसके बारे में जानकारी दी, और तमाम जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े उन्होंने एक विश्लेषण के जरिए और इसमें जो फैसले हैं कहां पर चैलेंजेस हैं और कौन से फैसले बड़े बदलाव की ओर देख रहे हैं इन सब पर रोशनी डाली। और उसके साथ ही ये जो बदलाव होते हैं, ये जो बड़े फैसले होते हैं, ये हमेशा होते रहेंगे आने वाले वक्त में। सिक्योरिटी मार्केट में जो है वो आपके हितों की, ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए, कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए, और जिस तरह से एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, एक पारदर्शिता बनी रहे, उसके लिए इस तरह के फैसलों का होना बेहद आवश्यक है। तो चलिए इस खबर के साथ ही अब जैसा कि हमने आपको पहले ही वादा किया था कि हम एक खास चर्चा आज शाम 7 बजे करने वाले हैं, इस बड़ी खबर के बाद उस चर्चा का रुख करते हैं। और चर्चा दरअसल पाकिस्तान की जो महंगाई की इमरजेंसी है उससे जुड़ी हुई है। जी हां, माह रमजान पाक का एक कह सकते हैं एक तरह से उनके लिए इस मुकद्दस महीने में भी कोई रहमत नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान की जनता पर कोई रहम इस वक्त इस माह रमजान में नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई हर गुजरते दिन के साथ अपने तेवर दिखा रही है। राहत तो दूर की बात है, पाकिस्तान में जिन चीजों की कीमतें कुछ समय पहले तक थोड़ी बहुत नियंत्रण में नजर आ रही थी वो भी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। बता दें कि पाकिस्तान में महंगाई इस वक्त रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। मार्च के आखिरी हफ्ते को अगर हम उसका डेटा देखें जो कि पाकिस्तान की तरफ से ही आया है, 47% तक महंगाई यहां पर पहुंच गई है। जी हां, 47% मार्च के आखिरी हफ्ते में रिकॉर्ड की गई है महंगाई की दर। पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने यह डेटा जारी किया है। इसके चलते पाकिस्तान में रोजमर्रा की चीजों जैसे आटा, दाल, तेल, दूध, इन सभी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले से ही परेशानी में घिरी पाकिस्तान की आवाम इसमें लगातार घिरती और पिसती जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान में क्या वाकई महंगाई की इमरजेंसी है? क्या यहां से कोई राह है? पाकिस्तान का आगे का भविष्य क्या कहता है? और क्या एक पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान की इस हालत से भारत को किसी तरह की चिंता करनी चाहिए? इन्हीं सब पहलुओं पर हम खास चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का एक विशेष पैनल मौजूद है। सबसे पहले मेहमानों से आपका मैं परिचय करा दूं। तो हमारे साथ चर्चा में इस वक्त मारूफ रजा साहब हैं, कंसल्टेंट और स्ट्रेटजिक अफेयर्स एक्सपर्ट्स हैं। मारूफ रजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर पुष्पेश पंत हैं। वैसे तो पुष्पेश सर को किसी तारुफ की दरकार नहीं, आप जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और जो विदेश मामले उन पर खास पकड़ रखते हैं। कई पहलुओं पर चर्चा हम कर चुके हैं सर से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और प्रोफेसर अजय दर्शन बेहरा हमारे साथ हैं जो कि एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जामिया मिलिया इस्लामिया से हैं। प्रोफेसर बेहरा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर पंत, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। सर, एक चीज़ हम जैसे लोगों के लिए जो हम तमाम चीज़ों को विश्लेषण कर रहे हैं या देख सुन समझ रहे हैं, उनके लिए तो आपके तमाम जो विश्लेषण होते हैं वो काफ़ी होते हैं ऐसे मुद्दों को समझाने के लिए, उसकी तह में जाने के लिए। लेकिन आज जिस तरह की परिस्थितियाँ पाकिस्तान में, अगर मैं खास तौर पे इस पूरे जी के जंजाल को देखूं पाकिस्तान के और बिजनेस चैनल के दर्शकों के नज़रिए से समझना चाहूं, तो पाकिस्तान में जो महंगाई की स्थितियां हैं इसकी जड़ में आप किन किन चीज़ों को देख रहे हैं? क्या वो कर्ज का बोझ है, आतंकवाद है, लगातार जो चली आ रही है एक पॉलिटिकल बैंक करप्सी की सिचुएशन है वो इसकी जड़ में है, या कुछ और वजह है? देखिए, पहले तो मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि न मैं अर्थशास्त्री हूं न पाकिस्तान का विशेषज्ञ हूं, मुझसे कहीं अधिक जानकार इस मामले में मारूफ भाई हैं और बेहरा साहब हैं। मगर जो आपने प्रश्न उठाया है, मेरा ये मानना है कि यदि हम एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें महंगाई से हटकर,
तो ये सारे लक्षण हैं उस प्राणलेवा बीमारी के, जिसके लिए पाकिस्तान में फौजी हुक्मरानों का दैत्याकार भ्रष्टाचार और कर्ज और उधार की और विदेशी सहायता की बैसाखी पर अपनी अर्थव्यवस्था को टिका रखना है। ये बात आज से नहीं, दशकों से चली आ रही है। और पाकिस्तान को बार बार एक असफल राज्य इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान के फौजी तानाशाहों को हमेशा से ये लगता रहा है कि उनको जमहूरियत वहां का पौधा वहां कहीं पनपने नहीं देना चाहिए, और जो गिने चुने मुट्ठी भर फौजी जनरल हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके पेट में ही सारी विदेशी सहायता पचा दी जाती है, सारी आर्थिक सहायता पचा दी जाती है। किसी भी तरह का आर्थिक औद्योगिक विकास वहां नहीं हो सका है। पाकिस्तान एक रेंटियर स्टेट बन चुका है, एक फेल्ड स्टेट जाने कब का है, बार बार दिवालिया घोषित किया जा चुका है। रहमो करम पर इस्लामी राज्यों के, चीन के और अमेरिकी आर्थिक सहायता पर रहा है। आज उसके नतीजे हमें देखने को आ रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान को हाल ही में एक भयंकर प्लानकारी बाढ़ की चपेट में रहना पड़ा है। कोविड के कारण भी कुछ असर हुआ है अर्थव्यवस्था पर, मगर कहीं ना कहीं आतंकवाद को की जहरीली फसल जो पाकिस्तान ने बोई थी उसका नुकसान भी उसकी जमीन के आर्थिक जमीन को बंजर बनाने में हुआ है। अफगानिस्तान से अमरीकियों की वापसी के बाद पाकिस्तान की संवेदनशीलता वैसी नहीं रह गई है सामरिक जैसी अमेरिका के लिए पहले थी, और चीन के डेट ट्रैप में, उधार के शिकंजे में जितनी बुरी तरह वो फंसा है, तो मुझे लगता नहीं कि उसका कोई समाधान है। वर्ल्ड बैंक थोड़ी राहत दे सकता है, मगर वर्ल्ड बैंक जो शायद जो शर्तें लगाएगा वो पाकिस्तान के लिए पूरा करना असंभव होगा। तो मुझे लगता नहीं, जहां तक भारत का प्रश्न है, हमारे लिए चिंताजनक विषय है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत यदि खराब होती है तो निश्चय ही जो भी वहां पाकिस्तान के शासक हैं उनका स्वार्थ ये होगा कि वो भारत की तरफ उंगली उठाएं और अपनी मुसीबतों के लिए, दिक्कतों के लिए कहीं ना कहीं भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करें, और अपनी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं आक्रामक हरकत करें जो हमारे लिए चिंताजनक हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो तस्वीर है, ये सबसे पहले इस पृष्ठभूमि को जानना बेहद ज़रूरी था। और पुष्पेश सर, मैं जानता हूँ आपका समय कम है, लेकिन मैं एक और सवाल के साथ आपके पास आऊँगा, और आपके जो कमिटमेंट है मैं जानता हूँ, उससे पहले ही मैं आपके पास आऊँगा। मारूफ सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अब बहुत सारी चर्चाएँ हमने इससे पहले आपके साथ कर ली हैं, क्या कोई ताज़ा ऐसी डेवलपमेंट या कोई ऐसी ऐसी तकलीफ जो आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, जो आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा मुश्किलात बढ़ाने वाली है? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि पुष्पेश साहब ने बहुत अच्छी तरीके से सारी समस्याओं को इकट्ठा करके हमारे सामने पेश किया। एक दो छोटे पॉइंट और मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि आपने देखा होगा ऐतिहासिक तौर से कि जब सोवियत रशिया जब कोलैप्स किया, सोवियत यूनियन, तो 70 साल उस मॉडल पे चला, और बाद में जब वो गुड़का तो किस लिए गुड़का? इसलिए गुड़का कि उसने अपनी सेनानी कारतों पे और अपने मिलिट्री ऑपरेशन, जैसे अफगानिस्तान था और बहुत सी और चीजें, जैसे कोल्ड वॉर कहते थे, मिसाइल बनाना और ये परमाणु हथियार इकट्ठा करना, अभी भी रशिया के पास तकरीबन 19,000 से ज्यादा परमाणु हथियार है। इन सबको बनाना, रखना, मेंटेन करना, इसमें बहुत खर्चा आता है। वो इतना खर्च करते गए कि उनका खाना पीना मुश्किल हो गया। और जो हालात आप पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, कई सालों पहले रशिया में भी था, मैं भी जब रूस में गया था तो मैंने देखा था कि वहां पे हर जगह आपका एक किस्म का ब्लैक मार्केट चल रहा था, और यही पाकिस्तान के अंदर अभी नजर आ रहा है मुझे कि पाकिस्तान में जो सरकारी नाकामयाबी है वित्त स्थिति को लेके, इसका फायदा ब्लैक मार्केट वाले उठा रहे हैं। और पाकिस्तान देखिए, चावल तो इतना बना देता है, कुछ अनाज भी इतना बना देता है कि उनके लोगों को भूखा नहीं मरना पड़े, लेकिन ये सब चीज के ऊपर लोग रुकावट डाल के, इकट्ठा करके और पैसा बनाने के चक्कर में उनकी देश की हालात और बिगाड़ रहे हैं। हाँ, ये जरूरी बात है कि पाकिस्तान की सेना, कहते तो कागज के ऊपर है, करीब 54% उनका बजट का खा जाती है हर साल, लेकिन मेरे को जाने माने पाकिस्तानियों ने बताया था कि अगर आप पूरा ये सेना का धंधा देखें तो कम से कम 72-73% पाकिस्तान के अंदर जो पैसा हाथ में आता है देश चलाने में, वो सेना खा जाती है। और जैसे पुष्पेश पंत साहब ने बताया
ये ऐसे बड़े बड़े जनरल हैं जो खा खा के लुटेरों की तरह अपने देश को चूस रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर हर देश की एक सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान में उनकी सेना के लिए एक देश बना के रखा है उन्होंने कि सेना का खाना पीना रुके नहीं। और जैसे अजय बिहारा साहब ने भी एक दिन बहुत अच्छे आर्टिकल में लिखा था कुछ महीनों पहले इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, कि उन्होंने ये कहा था कि देखो पाकिस्तान एक रेंटियर स्टेट है, यानी अपने आप को लिलाम या बेचता रहा है और पैसे इकट्ठा करता रहा। आपने देखा है कि अफगानिस्तान में जब अमेरिका गया तो 33 बिलियन डॉलर उनके खुद के ट्रंप साहब ने मंजूर किया कि हमने इतना पाकिस्तान में पैसा डाला, वो कहाँ गया? वो फौज के पेट में गया। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, कहाँ जा रहा है? फौज की पेट में जा रहा है। थोड़ा बहुत दिखाने के लिए रोड बनाते रहे और एक दो खंबे खुंबे यहाँ खड़े कर दे रहे, असली पैसा फौज के जनरल खा रहे हैं। और सबसे बड़े दोषी हैं इस चीज के अंदर चीन और कुछ गल्फ स्टेट्स जो पाकिस्तान को बना के रख रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं काफी हद तक उन्होंने सऊदी अरेबिया और ऐसे देशों के लिए बना के रखा है कि जब जरूरत पड़े ईरान के खिलाफ तो पाकिस्तान वो ट्रंप कार्ड निकाले और इनसे और पैसा वसूल करे। नॉर्थ कोरिया भी पैसा वसूल करता था अमेरिका से परमाणु हथियार से, पाकिस्तान की भी सेना का यही कहना है कि हम जरूरत पड़े तो इसको बेच के हम देश को बचा लेंगे। लेकिन पाकिस्तान की हालत अब नहीं सुधर सकती जब तक पाकिस्तान के लोग। मारूफ रजा साहब, माफी चाहूंगा, मैं थोड़े वक्त के लिए आपको रोकना चाहूंगा। पुष्पेश सर की कुछ कमिटमेंट्स हैं तो मैं एक सवाल लेके उनसे विदा लूंगा। पुष्पेश सर, आपने कहा कि भारत के लिए भी ये स्थितियां चिंताजनक, कुछ बातों का आपने जिक्र किया, लेकिन अगर इसको विस्तार से समझें तो किस तरह पाकिस्तान में जो बेचैनी है इसका भारत पर किन किन पहलुओं से आपको लगता है कि भारत को चिंता करनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहली चिंता तो भारत को ये करनी चाहिए कि जैसे जैसे पाकिस्तान की आर्थिक हालत खस्ता होती है वहाँ सामाजिक असंतोष बढ़ेगा, वहाँ राजनीतिक उथल पुथल बढ़ेगी। आज ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि उनकी एक दिक्कत वहाँ की सर्वोच्च न्यायपालिका से है, वो सर्वोच्च न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश पर अंकुश लगाना चाहते हैं। वो दो न्यायाधीशों ने असहमति का स्वर वहाँ मुखर किया है। ये पूरी नूरा कुश्ती इसलिए चल रही है कि पाकिस्तान के अवाम का ध्यान आर्थिक मसलों से हटाया जा सके। मारूफ भाई बहुत सही बात कह रहे थे कि यदि इतना व्यापक भ्रष्टाचार नहीं होता तो पाकिस्तान के लिए अपनी जनता का पेट भरना कम से कम मोटे अनाज से असंभव नहीं था। और आप ये मानकर चलिए कि इस स्थिति में कोई फर्क आने वाला नहीं है। जो वेहरा साहब के लेख का उल्लेख किया मारूफ भाई ने, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो अगली नीलामी का इंतजार कर रहे हैं। मगर एक बार ये होता है जब आपके पास बेचने को कुछ नहीं होता है, जब ईरान और सऊदी अरब के बीच में एक तरह का जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है, बातचीत होने लगती है। यूक्रेन में जंग के बाद पूरा भू राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है, तब पाकिस्तान के लिए उन परमाणविक अस्त्रों को बेचना, वो जखीरा इतना बड़ा भी नहीं है रूस जैसा, और नहीं वो उतने संकीर्तनक मिजाज निरंकुश हैं उत्तरी कोरिया की तरह के कि उसको भुना पाए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह आर्थिक प्रबंधन में फौजी हुक्मरान असफल रहे हैं, वो अपने देश की नीलामी में भी असफल साबित होंगे और भारत के लिए हर हालत में चिंता का विषय है। अभी आप देख रहे हैं जो खालिस्तानियों का उपद्रव हो रहा है, नया जोखिम हो रहा है, कभी कनाडा में, कभी इंग्लैंड में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भड़काने वाली उकसाने वाली ताकतों का हाथ है। अमृतपाल सिंह का जो नाटक चल रहा है, जो दुबई से भारत आए और फिर अब तक नजारे थे, अक्सर वो टीवी कैमरा में पाए जा रहे हैं। मुझे लगता है हमको चिंतित होने की जरूरत है। और जब से कश्मीर में दो केंद्र शासित प्रदेशों इकाइयों में विभाजन हुआ है उस राज्य का, तब से असंतोष का एक विषय है। और पाकिस्तान कोशिश करेगा हर जगह हर तरह से, देश में न केवल जम्मू कश्मीर के इलाके में बल्कि देश में सर्वत्र सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने के लिए स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पंत सर, आपने हमारे लिए समय निकाला और इस खास विश्लेषण के लिए। और जिस मैंने बात की कि जी पहले पता नहीं था कि इतना रोचक कार्यक्रम होने वाला है, तो दुर्भाग्य से मैंने 7 से 7:20 तक के बाद कहीं जाना था। मैं माफी चाहता हूँ मारूफ भाई से और बेहरा साहब से।
धन्यवाद। नहीं नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करेंगे। और प्रोफेसर बेहरा, माफी चाहूंगा आपके पास मैं थोड़ा देरी से आ रहा हूं, लेकिन जिस आर्टिकल की चर्चा हो रही है हमारे टीवी के दर्शकों के लिए बताएं कि दरअसल आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, आपका विश्लेषण क्या है? देखिए, वो आर्टिकल में एक आर्ग्यूमेंट था कि किस तरह से पाकिस्तान अपना जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उसका बेनिफिट लेके जब भी आर्थिक संकट में पाकिस्तान पड़ा है पास्ट में, तो वो अपना स्ट्रैटेजिक लोकेशन के वजह से कोल्ड वॉर पीरियड में अमेरिकन प्रेजेंस अफगानिस्तान उस टाइम में उन्होंने उसका बेनिफिट लिया और उनको एड मिला, जिसके वजह से जो आर्थिक संकट उन टाइम थे वो उसको टैकल कर सकते थे। अभी एक ऐसे सिचुएशन आ गया है जो अमेरिकन विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान और उनको इकोनॉमिक रिलीफ कहीं से नहीं मिल रहा है, बट मेन प्रॉब्लम जो पाकिस्तान का इकोनॉमी का है वो ये है कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज आ गए हैं पाकिस्तान इकोनॉमी में जो उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स ने एड्रेस नहीं किया है, कि धीरे धीरे पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है एक कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी नहीं है इंटरनेशनल इकोनॉमी में। आज पाकिस्तान का इकोनॉमी कैन नॉट कॉम्पीट विद बांग्लादेश या और रीजनल इकोनॉमीज हैं, ईरान या टर्की वगैरह वगैरह, तो वो उस तरह से मुनाफा नहीं कर पा रहे हैं जो उनका एक्सपेंडिचर है। उनका एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है कंपेयर टू जो उनका टैक्सेस की वगैरह से रेवेन्यूज, तो रेवेन्यूज के लिए मेन एक कंपोनेंट है एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट मार्केट में वो बहुत वीक हो गए हैं अभी, वो ना एक्सपोर्ट से उनको, जिसके वजह से उनको ये जो डॉलर्स का प्रॉब्लम आ रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है, आज उनके पास सिर्फ रफली मेरे ख्याल में 4.5 बिलियन डॉलर्स है, क्योंकि उनके एक्सपोर्ट्स में उनको बहुत दिक्कत आ रही है और वो कई सारी चीजों को इम्पोर्ट करने का जरूरत पड़ रहा है। और पिछले साल से जब से ये फ्लड्स हुआ पाकिस्तान में और यूक्रेन वॉर के बाद, बहुत सारी चीजें महंगी होंगी और जो फूड इन्फ्लेशन के बारे में आपने बताया, पाकिस्तान जो नॉर्मली फूड सेल्फ डिपेंडेंट है इनको इंपोर्ट नहीं कर पाता है, बट पिछले साल से उनको फूड भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिसके वजह से आटा वगैरह मार्केट में इतना महंगा है कि उन्हें आटा भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, मतलब कि वो डॉलर्स में पे कर रहे हैं आटा के लिए। सो जाहिर है कि उसके वजह से मार्केट में इतना प्राइसेस इतने हाई हो गए हैं, इन्फ्लेशन बहुत बुरी तरह से बढ़ा हुआ है। तो इसका शॉर्ट टर्म कोई सोल्यूशन बहुत ही मतलब डिफिकल्ट लग रहा है कि वो शॉर्ट टर्म में ये जो प्रॉब्लम को ये टैकल कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म का हम कह नहीं सकते हैं, बट जैसे मैं देख पा रहा हूँ अगले 6-7 महीने में इनको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बिकॉज इनको बाय जून 2023 इसी साल $7 बिलियन इनको डेट रीपेमेंट में देना है, और 2023 और 24 फाइनेंशियल ईयर में इन्हें $15.5 बिलियन डेट में देना है। सो ये कहाँ से इकट्ठा करेंगे, इवन इफ IMF से लोन आ गया और कई कमर्शियल बैंक से या फ्रेंडली कंट्रीज से लोन आ गया, इनके पास इतना मतलब सक्षम नहीं है कि ये 10-20 बिलियन डॉलर्स इकट्ठा कर पाएंगे जिससे कि डेट रिसाइकलिंग होगा। बट उसमें ये प्रॉब्लम है कि आप फिलहाल डेट ही रिटर्न कर रहे हैं, कोई प्रोडक्टिव मतलब कि इकोनॉमी में कोई मोमेंटम नहीं ला पाएंगे, ये सिर्फ एक मतलब क्राइसिस को डील करने वाली सिचुएशन। सो नेक्स्ट 6-7 महीना आई थिंक पाकिस्तान के लिए काफी काफी मुश्किल देख पा रहा हूँ, और पॉलिटिकल लीडर्स में अभी ऐसे कोई हमें पता नहीं चल रहा है कि इनके पास कोई कोई स्ट्रैटेजी है, कोई पॉलिसी है, और पूरा ये कंट्री मिल के इस क्राइसिस को डील करेंगे। बहुत अहम बातें आपने बताई, और वाकई ये जो सबसे बड़ी चिंता है और ये जो सबसे बड़ी बात उभर कर सामने आ रही है कि हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक अस्थिरता तो अपनी तरफ है, लेकिन
जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उनकी ओर से कोई इस तरह के मूव नहीं लिए जा रहे हैं, या जो एक एक सोच नज़र आनी चाहिए उसकी उसकी भी कोई कोई ख़ास पिक्चर नज़र नहीं आ रही है। मारूफ सर, आम तौर पर हम देखते हैं कि ख़ासतौर पर श्रीलंका का सबसे ताज़ा एग्जाम्पल है कि जब किसी देश में इस तरह की स्थितियाँ होती हैं तो एक तरह का एक तरह का गुस्सा, नाराज़गी, प्रतिक्रिया जो है वो जनता की तरफ से नज़र आती है। पाकिस्तान के केस में इससे पहले भी हमने देखा है कि इस तरह की कोई बहुत तीव्र प्रतिक्रिया नज़र नहीं आती, क्या वजह है इसकी? देखिए, मैं जैसे आपको सोवियत यूनियन या रशिया का पुराना मिसाल दे रहा था, वो 70 साल चला क्योंकि उसको एक आर्टिफिशियल आइडिया था, एक ऐसा बना रखा था कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनेगा वराना फलाना, और वो गुड़क गया। अभी पाकिस्तान के 75 साल हो गए हैं और मुझे भी लगता है साल दो साल में इस तरह अगर हालत रही तो वो गुड़केगी। अभी करना क्या है? पहली बात तो ये है कि सबसे ज्यादा पैसा उनकी फौज और फौज के कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन खाते हैं और उनमें से कोई टैक्स नहीं भरता। तो ये IMF वाले जो अजय साहब भी बता रहे थे, वो कहते हैं कि आप अपना रीस्ट्रक्चर करो, अपने टैक्स का सिस्टम बनाओ। अरे टैक्स किससे लोगे आप? ये जो लोग लड़ रहे झगड़ रहे हैं बसों के ऊपर अनाज लेने के लिए, ये उन मोटे जनरलों से जो खा के पाकिस्तान को चूस लिया है उन्होंने, वो जब तक टैक्स नहीं देंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को हर साल अपना काम चलाने के लिए कम से कम $30 बिलियन की जरूरत है, और अभी तो वो IMF के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है कि हमको 2 बिलियन ही दे दीजिए, किसी तरह हम अगले एक महीना डेढ़ महीना गुजार लें, उसके बाद क्या? वो कोई समस्या अगर खड़ा करें जो दुनिया के लोग आके उनको बोलें कि नहीं 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 आप ये झंझट मत पैदा करो, हम पैसे देते हैं और आप चुप से बैठ जाओ, ये भी नहीं हो सकता। भारत के साथ तो वो अब अपना जो है नाखून दिखाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, जब से उरी का रेड हुआ है और बालाकोट का हुआ है और भारतीय सेना ने मोदी साहब की सरकार ने बता दिया है कि साहब ऐसा जवाब देंगे आपको कि आप जो है ना फिर अपने ख्वाब में भी नहीं सोच पाए होगे, तो वो भारत के साथ भी ये नहीं कर सकते। मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान के सामने, और मैं बड़े सीरियसली कह रहा हूं आपको, दो रास्ते हैं, या तो अपने कुछ शहर चीन और ऐसे देशों को बेचें जहां पे वो अपना गढ़ बना लें, उनको पैसा दें, जैसे कि उन्होंने ग्वादर पोर्ट में कराची के नजदीक एक पोर्ट बनाया है और वहां चीन ने उनको पैसे खिलाए हैं तभी ये डील हुई है। POK के अंदर भी यही डील हुई है कि चीन ने बहुत सी जगह उनको पैसे खिलाया है जिससे पाकिस्तान अपनी काम चला रखा है। दूसरी चीज ये है कि भारत जैसे देश के साथ भी वो एक बार एक समझौता करें, कहें कि साहब पूरा ये टेंशन हम खत्म करते हैं और फिर लड़ाई झगड़ा ना होगा तो हम आपको सेना पे इतना खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो जो भी प्रधानमंत्री बोलेगा, चाहे इमरान खान था पहले या इससे पहले कोई और है, उसको दरवाजा दिखा दिया जाएगा। शरीफ साहब तो एक पुतले हैं उनके, और अगर वो चाहते हैं पाकिस्तान को जरूरी ही पैसा चाहिए तो वो POK की जमीन हमें वापस दे दे और हमसे कुछ पैसा ले ले, और कहे कि चलो साहब हमारा टेंशन खत्म, भारत को पूरी कश्मीर मिल जाती है और पाकिस्तान को जीने की एक लाइफलाइन मिल जाती है। वो भी भारत के हद में है, कर सकता है, लेकिन वो आइडिया पाकिस्तान के थ्रू आना पड़ेगा। नहीं तो ऐसी हालात में मैं ये मामला बिगड़ता देखता हूं और पाकिस्तान में जो आग लगेगी उससे हमको इतना घबराने की जरूरत नहीं। हमारे बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते रहते हैं कि साहब पाकिस्तान में और बात बिगड़ेगी तो लोग कूद के हमारे पास आ जाएंगे। अरे यार, कभी जाके बॉर्डर पे देखो, जिस किस्म की फेंसिंग लगी हुई है उसके अंदर से तो टैंक भी नहीं जा सकता, इंसान तो कैसे घुस के आएगा भारत के अंदर। तो ये हवा बनाने वाले भी वो वैसे ही लोग हैं जो पाकिस्तान के हमदर्द हमारी सोसाइटी में बैठे हैं। वापस आपको दे रहा हूं। ठीक है, बहुत अहम बात आपने कही। प्रोफेसर बेहरा, एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि अब जो एक सबसे बड़ी बात है कि हम कोई राह तो साफ तौर पे पाकिस्तान के सामने नजर नहीं आ रही, इन सब के बीच अगर हम दुनिया के कई मुल्कों की, और मेरा ख्याल है कि आप इशारा समझ रहे होंगे, क्या पाकिस्तान के प्रति उनके रवैये में
हाल फिलहाल कुछ सालों में बदलाव आया है, क्योंकि क्या पूरी दुनिया कुछ अपने इंटरनल कुछ कॉन्फ्लिक्ट में ऐसी उलझी हुई है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को उस तरह की मदद नहीं मिल रही है, या दुनिया को देर से समझ में आया है कि ये जो मदद होती थी वो इन्वेस्टमेंट और बाकी हितों के जरिए होती थी? देखिए, बाकी जो कंट्रीज जिनके साथ पाकिस्तान का गहरा रिलेशंस है, उन लोगों को भी समझ में था कि पाकिस्तान का इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हैं, और कई बार यू नो अमेरिकन पॉलिटिशियंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्लिंटन वगैरह वगैरह ने इनको कई बार उन्होंने बोला कि दैट यू नो आपको अपना इकोनॉमी सुधारना पड़ेगा, आपको अपने टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, बिकॉज सब उनको सबको पता है कि ये एक ऐसे इकोनॉमी है जिसमें इकोनॉमिक टर्म्स में टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो 10% है, बहुत ही कम मुल्क होंगे जिनके उस तरह के टैक्स रेशियो हैं। सो 10% टैक्स रेशियो में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और उसमें इनके जितने मेन ये हैं जिनके हमें पता है कि इनका इनकम होगा, वो इनकम देते ही नहीं है। आई मीन आप सरप्राइज होंगे कि इमरान का 2 साल पहले या 3 साल पहले उन्होंने इनकम टैक्स में सिर्फ 1 लाख रुपए दिया था, और ये आप डेटा निकाल के देखेंगे वो जरदारी के बारे में और बाकी बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, कोई कोई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि बिल्कुल टैक्स देते ही नहीं। तो एक ये तो टैक्स का प्रॉब्लम है जहाँ पे कि पाकिस्तान में टैक्सेशन मतलब टैक्स ही नहीं कर पा रहे और टैक्सेस रेज नहीं कर पा रहे, कम से कम 30% ऑफ जीडीपी होना चाहिए टैक्सेस। तो इसके बारे में बाकियों को पता है, चाइना को भी पता है, यूएस को भी पता है, और यूएस ने कई बार बोला पाकिस्तान को कि आप यू नो यू विल हैव टू टैक्स योर पीपल, यू हैव टू रेज टैक्सेस। एंड इनफैक्ट रिसेंटली सऊदी अरेबिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये बोला कि देखिए हम अपने अपने सिटीजन्स को टैक्स कर रहे हैं, आपको भी टैक्स करना पड़ेगा। सो अब पाकिस्तान खुद क्या कर रहा है, बिकॉज आप जब बाहर जाके मांग रहे हैं दूसरों को कि हमें दे दीजिए कुछ पैसे, तो दूसरे तो ये सवाल उठा रहे हैं ना कि ठीक है आप खुद क्या कर रहे हैं, आप खुद टैक्सेस रेस करो, मिलिट्री बजट कम करो या जो भी है, बिकॉज मारूफ साहब ने बताया ये फिगर्स चेंज होते रहते हैं, बट टोटल इनका मिलिट्री बजट इज रफली अबाउट 25% ऑफ देयर बजट, एनुअल बजट, और टोटल इनका मिलिट्री बजट और डेट सर्विसिंग अगर जोड़ दिया जाए तो वो तो 50% बजट से ऊपर चला जाता है। सो इनका जो बजट है वो तो पूरा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में जा रहा है, एंड ये दूसरों को पता है, चाइना को भी पता है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होता है कि वाई चाइना इज इन्वेस्टिंग सो मच, क्योंकि उनको पता है कि ये कंट्री डेट में जाने वाला है, बिकॉज आप चाइना से इतना लोन ले गए, $30 बिलियन चाइना से इन्होंने लिया हुआ है जो रिटर्न करना है, और इसी साल चाइना को भी इनको कुछ पैसे रिटर्न करना है, एंड चाइना को पता है कि ये जो इकोनॉमी है पाकिस्तान का उसमें ये जनरेट नहीं कर पा रहे रिसोर्सेज, ये रिटर्न कैसे करेंगे। सो बहुत सारी कंट्रीज रिलक्टेंट है इनको, अभी IMF के पीछे पड़े हुए हैं, एंड IMF स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने के लिए इनको कहा है, जो कि बाकी कंट्रीज वॉच कर रहे हैं कि किस हद तक पाकिस्तान ये स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएगी, अगर नहीं लाएगी तो कौन इनको देगा लोन, कौन इनको ये करेगा, बिकॉज उनको पता है कि इनका प्रॉब्लम है, they will not be able to repay दैट लोन, एंड दैट इज द रीजन ये इनको कमिटमेंट हुआ है अभी इसी साल एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस में अबाउट $10 बिलियन कमिट किया सबने, बट सबने बोला जब तक IMF के साथ आपका सौदा नहीं होता है, जब तक IMF के साथ जो भी कंडीशंस मान के उसके बाद लोन आएगा तभी जाके हम ये रिलीज करेंगे। सो थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए अब चाइना ने आई थिंक पिछले हफ्ते $2 बिलियन दिया, सो दैट उनको दिखाने के लिए कि IMF को कि इनके पास ये जनरेट कर रहे हैं करके। सो ये प्रॉब्लम है कि बाकी कंट्रीज को भी पता है, और अभी थोड़ा सा बाकी कंट्रीज सतर्क हो गए हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट इनको लोन देने में खतरा है, बिकॉज इनका इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं है जिसमें कि ये हमें लोन रिपे कर पाएंगे। सो बाकी कंट्रीज के साथ भी इनका रिलेशन अभी ऐसा है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं
गल्फ कंट्रीज भी कोई आसानी से इनको लोन देने के लिए तैयार नहीं है. एंड आई थिंक दैट स्टेटमेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया बहुत इंपॉर्टेंट है. आप टैक्सेस आपके लोग टैक्स नहीं देंगे, हमारे सिटीजंस टैक्स देंगे और हम आपको लोन देंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट था. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रोफेसर अजय दर्शन बेहरा साहब इस शानदार विश्लेषण के लिए. मारूफ रजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका. अलग अलग पहलुओं को आसान भाषा में हमारे दर्शकों के सामने आपने रखा. जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के सामने और ये चैलेंजेस किस वजह से हैं, उन सभी पहलुओं पर हमने चर्चा की. हमारे साथ पुष्पेश पंत सर भी जुड़े हुए थे, उन्होंने इसकी पूरी पूरी बुनियाद आखिर ये जो इस वक्त की क्राइसिस है इसकी क्या 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 इसकी बुनियाद रही और किस वजह से इस तरह की स्थितियां पनपी, उन सब पर रोशनी डाली. और इस चर्चा के जरिए हमने तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश की कि पाकिस्तान में ये जो महंगाई का आपातकाल है इसकी जड़ में क्या है, आगे की राह क्या है, और इसके साथ ही जो पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक्स चेंज हो रही है, एक समीकरण चेंज हो रहा है, वो पाकिस्तान के लिए किस तरह की सूरत हाल आगे आने वाले वक्त में ले आ सकता है. तो उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो. फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे. ब्रेक के उस पार कुछ खास खबरें आपका इंतजार कर रही हैं. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद. आप देख रहे हैं स्वदेश आर. मार्च एक्सपायरी के दिन बाजार में शानदार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली. निफ्टी निचले स्तर से 170 अंक सुधरकर 17,000 के पार बंद हुआ. निफ्टी की इस रैली की अगुवाई अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट ने की. निफ्टी के 50 में से 44 शेयर हरे निशान में बंद हुए. निफ्टी बैंक में भी 342 अंक से ज्यादा का उछाल देखने को मिला. निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में 4 दिन से जारी मायूसी आज छट गई. निफ्टी पीएसयू बैंक टॉप सेक्टोरल गेन वाला सेक्टर रहा. बाजार में आज और क्या हलचल रही, हमारी सहयोगी मानसी दवे इस पर रोशनी डाल रही है. बिल्कुल, मार्च सीरीज के एक्सपायरी की अगर बात करें, एक्सपायरी का दिन शॉर्ट कवरिंग बाउट देखने को मिला. करीब 200 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी ने 17,100 के आसपास क्लोजिंग दिखाई, विच वॉज अ बिग पॉजिटिव. और शॉर्ट कवरिंग निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी नजर आई. 350 अंकों की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी करीब 39,910 के लेवल्स पर मजबूती के साथ ब्रॉडर मार्केट्स ने भी आउट परफॉर्म किया, चाहे फिर वो मिड कैप हो या स्मॉल कैप. तो इंडेक्सेस के लिहाज से मार्च सीरीज के एक्सपायरी का दिन जो है वो काफी ज्यादा दमदार, काफी ज्यादा मजबूत रहा. स्टॉक स्पेसिफिक राय भी ऐसे ही देखने को मिली. लेकिन पूरी की पूरी मार्च सीरीज में काफी चैलेंजेस आते रहे, चाहे फिर वो ग्लोबल मार्केट हो या डोमेस्टिक मार्केट हो. इसी के चलते मार्च सीरीज के रिटर्न्स की अगर बात करेंगे, वो रिटर्न्स जो है वो नेगेटिव देखने को मिले हैं. निफ्टी में डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिला, ऑलमोस्ट 2.5% ड्यूरिंग द सीरीज डिक्लाइंस यहां पर देखने को मिले. ऑफ कोर्स मार्च सीरीज का आखिरी दिन अच्छा रहा, लेकिन पूरे सीरीज के डेटा को आप ध्यान से सुनिएगा. 5-month लो इस सीरीज में निफ्टी ने हिट किए हैं और ऑल ब्रॉडर इंडेसेस की अगर बात करें वहां पर भी रेड पैटर्न यानी कि बिकवाली का दबाव देखने को मिला. आईटी इंडेक्स 5 महीने के निचले स्तरों पर ड्यूरिंग द सीरीज ट्रेड करता रहा. रियल्टी इंडेक्स 9 महीने के निचले स्तरों पर ट्रेड करता रहा. पीएसयू बैंक इंडेक्स में 2 महीने के निचले स्तर पूरी सीरीज के दौरान हमने देखे. वहीं ऑटो इंडेक्स भी 8 महीने के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा था और मेटल इंडेक्स में भी करीब 3% तक की बिकवाली ही पूरी सीरीज के दौरान देखने को मिली. अब ये सारी की सारी बिकवाली जो है ड्यूरिंग द सीरीज यहां पर देखने को मिली है, तो सेक्टर स्पेसिफिक डाउन ट्रेंड्स है. हालांकि सीरीज के अंत आखिरी दिन में ये सारे सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे थे क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का बाउच नजर आ रहा था. इसके अलावा अगर पूरी सीरीज के दौरान एफएनओ गेनर्स की बात करें, अडानी एंटरप्राइजेस, मणिपुरम फाइनेंस और अडानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स थे जो कि टॉप गेनिंग मोमेंटम दिखाते रहे. एफएनओ गेनर्स की हम बात कर रहे हैं. एफएनओ लूजर्स अगर देखेंगे, एम्फासिस, संवर्धना, मदरसन, कोफोर्ज, ये सारे के सारे लूजर्स कैटेगरी में आते हुए देखने को मिले. अब आइए यहाँ पर रिटर्न्स इंडेक्सेस के लिहाज से अगर देखें, निफ्टी में पूरी सीरीज के दौरान करीब 2.5% के गिरावट यानी कि डिक्लाइनिंग रिटर्न्स देखने को मिले. मिड कैप में ऑलमोस्ट 1.5% तक की डाउन ट्रेंड्स देखने को मिले हैं और साथ ही स्मॉल कैप इंडेक्सेस 4% पूरी सीरीज के दौरान गिरे हैं. इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक सबसे ज्यादा गिरावट इस पूरी सीरीज में आईटी सेक्टर ने झेली. उसके ठीक बाद हमने देखा ऑटो, मेटल, बैंक, रियल्टी, फार्मा, हर सेक्टर हर पॉकेट में मार्च सीरीज ने काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस किए. अब आइए क्विकली आज के सेटअप यानी कि मार्च सीरीज के आखिरी दिन पर बाजार में कहां से मूड माहौल सुधरता हुआ दिखा, इस पर बात करते हैं. हर सेक्टर हर पॉकेट में हमने मजबूती तो देखी. अडानी ग्रुप स्टॉक्स आज भी लीड कर रहे थे. इसके पीछे मेटल पैक में जेएसडब्ल्यू स्टील, आयशर मोटर्स, एचसीएल
टेक्नोलॉजी, सीरो मोटोकॉर्प, ये सारे के सारे स्टॉक्स थे। मेटल, ऑटो, टेक्नोलॉजी, काउंटर्स, ये सारे मजबूती दिखा रहे थे। 17,100 की कॉल्स थी जहां पर काफी हद तक बाइंग होते हुए, एक्टिव बाइंग होते हुए दिख रही थी। शॉर्ट कवरिंग का बाउट था और इसी के चलते खरीदारी का रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा था और यही सेंटिमेंट हमने देखे। क्लियरली बैंक निफ्टी की तरफ से आउट परफॉर्मेंस थी, 350 से 400 अंकों की मजबूती देखने को मिली। सीमेंट प्लेस थे जो कि काफी अच्छा एक्शन दिखा रहे थे दिन की शुरुआत से, चाहे फिर वो हैवी वेट सीमेंट सेक्टर हो या मिड कैप सीमेंट प्लेस हो, अच्छी मजबूती देखने को मिली। कुछ न्यूज फ्लोज भी थे साउथ इंडियन बैंक में, जो मैनेजमेंट में बदलाव की खबरें आती रही उसका एक इम्पैक्ट बैंक स्टॉक साउथ इंडियन बैंक में करीब 13-14% तक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि एक्सपर्ट्स का भी ये मानना, मैनेजमेंट से भी जब एक्सक्लूसिव बातचीत हुई उनका ये कहना था कि बैंक के ऑपरेशन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि एनएससी रीबैलेंसिंग का भी असर इनफ्लोज और आउटफ्लो कैटेगरी वाले स्टॉक्स पर देखने को मिला और साथ ही कई सारे फैक्टर्स रहे जो कि कंजम्पशन थीम, एफएमसीजी थीम, ऑटो सेल्स थीम, ऑटो थीम, ऑटो एंसिलरी थीम पर काफी एक्शन पैक रिएक्शन दिखाते रहे। मिड कैप केमिकल प्लेस में भी अच्छी मजबूती थी। अब ध्यान रखिए एक दिन की छुट्टी के बाद जब बाजार खुलेंगे शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल सेटअप भी होगा और जो शॉर्ट कवरिंग मार्च सीरीज के अंत में देखिए वो शॉर्ट कवरिंग जारी रहती है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा और अप्रैल सीरीज की शुरुआत कैसी होगी इस पर खास तौर से नजर रखनी होगी। लेकिन मार्च सीरीज का अंत आखिरी दिन की अगर बात करें शॉर्ट कवरिंग बढ़िया मूव नजर आए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर फीस को लेकर एनपीसीआई ने सर्कुलर जारी करके सफाई दी है। एनपीसीआई ने कहा है कि बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में यूपीआई लेन देन पर कोई फीस नहीं देनी होगी। पीपीआई मर्चेंट्स के बीच होने वाले 2,000 रुपए से ज्यादा के लेन देन पर फीस लगेगी। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं अंकुर मिश्रा। जी हाँ, एनपीसीआई का एक प्रपोजल था कि इंटरचेंज फीस लगाई जाए पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर, और यहाँ से पूरा कन्फ्यूजन शुरू हुआ कि क्या कस्टमर्स को कोई चार्ज देना पड़ेगा, क्या उनको और कोई एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन चार्ज देना है यूपीआई करने के लिए। तो एनपीसीआई ने यहाँ पे कैटेगरिकली की क्लैरिफाई कर दिया है कि कस्टमर्स को किसी भी तरीके का यूपीआई पेमेंट करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है। इनफैक्ट एक और डेटा दिया है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं अभी उसमें से ज़्यादातर बैंक अकाउंट के लोडेड ट्रांजैक्शंस हैं जो यूपीआई में होते हैं, यानी कि आपका कोई बैंक अकाउंट है, आप यूपीआई से लिंक करते हैं और उससे पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पर वो अकाउंट करता है 99.9% ट्रांजैक्शंस के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनपीसीआई का प्रपोजल है उसका असर 0.01% ट्रांजैक्शंस पर पड़ेगा, यानी कि जो प्रीपेड वॉलेट्स होते हैं उनके ट्रांजैक्शंस पे पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी फ़ोन पे या पेटीएम के वॉलेट से ट्रांजैक्शन करते हैं तो मर्चेंट को 1.1% इंटरचेंज फीस देनी पड़ेगी जो वॉलेट कंपनी है उसको। इसके अलावा 15 बेसिस पॉइंट का एक वॉलेट लोडिंग चार्ज भी प्रपोज है, यानी कि आपने जो पैसे डाले हैं वॉलेट में उसके लिए आपको ये चार्ज देना पड़ेगा, और ये सारा ट्रांजैक्शंस जो है वो 2000 के ऊपर पे चार्जेस लगेंगे। तो ऑल इन ऑल इसका इम्पैक्ट जो होगा वो वॉलेट जो कंपनीज हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन कस्टमर्स पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। यूपीआई जो फ्री था अभी तक वो आगे भी बिना किसी चार्ज के चलता रहेगा। और चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो तुअर दाल की कीमतों और स्टॉक को लेकर उपभोक्ता मंत्रालय की ओर से गठित कमेटी ने राज्यों के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उपभोक्ता मंत्रालय ने हाल ही में अपर सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। कमेटी की आज पहली बैठक हुई। इसमें सरकार ने स्टॉकिस्ट, मिलर्स और इम्पोर्टर्स की ओर से डिस्क्लोज किए स्टॉक की समीक्षा करने को भी कहा है। और दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई। एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हुए, लेकिन पाकिस्तान और चीन के एनएसए बैठक में शामिल होने के लिए भारत नहीं आए। दोनों देशों के एनएसए वर्चुअल तरीके से मीटिंग में जुड़े। बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी तरह का आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। सभी देशों को आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों सहित काउंटर टेररिज्म प्रोटोकॉल के प्रति अपने दायित्व को पूरा करना चाहिए। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी is based on these very principles and reflects
our commitment to the charter of the SCO. Excellencies, terrorism in all its forms and manifestations and its financing are amongst the most serious threats to international peace and security. Any act of terrorism, regardless of its motivation, is unjustifiable. It is important, therefore, for all countries to fulfill the obligations enshrined in the relevant counter-terrorism cooperation protocols, including UN Security Council resolutions 1267, 1373, and successor resolutions for the purpose of identifying and implementing sanctions against global terrorist entities. और इधर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आई मादा चीता सियाया ने चार शावकों को जन्म दिया। सभी चीतों को मिलाकर अब कूनो में चीतों की संख्या 23 हो गई है। मादा चीता और चारों नन्हे मेहमान फिलहाल स्वस्थ हैं। एक विशेष टीम नए मेहमानों और मादा चीता का खास ख्याल रख रही है। मादा चीता सियाया नाम की, उसने चार बच्चों को जन्म दिया है और वो अभी जो प्री रिलीज एंक्लोजर हैं उसमें, बड़े एंक्लोजर हैं उसमें हैं अभी वो, और सुरक्षित हैं जी। ये सियाया अभी, इसकी उम्र तीन साल है और ये जो कब्स पैदा हुए हैं ये भारत, पहले भारतीय चीता आप इनको कह सकते हो, क्योंकि यहाँ भारत की ज़मीन पर यहाँ आने के बाद ये बच्चे पैदा हुए। और चले इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।